बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद खान जलवानी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, हम सिलाबी सूरत हाल के हवाले से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। मैं इस वक्त कोचुटा के इलाके अड्डा समंदरी के साथ बस्ती फतुवाला पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सैकड़ों बस्तियाँ मुकम्मल तौर पर ज़ेर-आब आ चुकी हैं। रोज के सिलाबी पानी ने तबाही मचाई हुई है। तकरीबन अगर मैं कपास की फसल के हवाले से बात करता जो कपास की फसल भी ज़ेरे आब आ चुकी है, उसके साथ साथ मकानात भी सिलाबी पानी की जद में आ चुके हैं। और बहुत से ऐसे मुतासरीन हैं जो अब भी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। हुकूमती इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से भी बात करेंगे, हमारे साथ मुतासरीन भी मौजूद हैं, और इनसे भी ये भी पूछेंगे अब तक हुकूमती अहदेदारों की जानब से इनकी क्या इमदाद की गई है और क्या इनको कोई राशन भी दिया गया या नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम चाचा। ए चाचा, केड़ा इलाका है असा किता मौजूद है? फत्तू वाला से ने खू मौजा मुतफरक जहान असा झलगणो यो झलगणी तो अच्छा इथाई बाणा नो फलाडा पे सारा घर बर्बाद थी गन सड़क अच्छा खटने दे उते बैठो दे ना इमदाद की दी ना कुछ कोई आए तेरे तरते पटवारी एक दो वेले टुक्कर देते सा कोई क्वेश्चन मिली ईवे थाई हुन खड़ू से ब्याह खैर आपको इमदाद नहीं देते क्या कहते हैं कि अब तक आपको कितना दिन हुआ है सिलाब की बड़े बड़े लीडर ने गए अपने चाहिए जो बड़े सर लौट गयो सराय साथ करो आज कल करो क्या दिन पर्ची चाहो पीछे मिलती पर्ची का देनू बस देनू है लिए और तंबू सा आज ही फिर वो नहीं मिले गए इतना सिला इमदाद चला वाला कौन है बंदा जरा इतना इमदाद ऐसे कुछ हाजिर पटवारी तो कोरा नहीं थे बेहद कोई को नहीं है कोई नहीं है तेरे तेरे अच्छा ये सो कितना इलाके हैं जितना पानी हुन भी मौजूद है इतना ये मौजूद रू थी मतलब ये ठट्टा है दो ये दो मुतफरक है सर ये जान परो भी ओ डाला ओ ही है मुतफरक है ओ ही सारा कुछ बालें दी क्या कंडीशन है बाल वेच बंद खटने दे उत्ते बैठने तल्ले पानी का नहीं झाड़े थे बहाने थे लोग क्या करें जगह हालातन हमारे साथ और भी मुतासरीन मौजूद हैं हम इनसे पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जान कितना नुकसान थिया उस घरें दा ते बाकी लोगों दा नहीं समझ बस जरा कच्चे जरे मकान सा मेरा नाम सादिक हुसैन है जरे कच्चे मकान सारे ढाए के नस्करा पक्के करे थाए करन ब्या माल साल सा बारो काट गयो अब बाल जरा निकले बाल घर बैठन दे पानी हवेली में बेच खड़े होने मौजूद है तो दिखा सकदु मौके तई लेकिन असे कोई ना टेंट मिले ना कोई इमदाद मिले ना आज तक पुछे ही कहीं असा टोर में दूतरे का बंदे कने वो अंदर बस नहीं दे पे बस तो भी कछे को नहीं मिली असा कोई फिलहाल कछे को नहीं म्यार पानी करे कम बस पानी दे विचो मैं डेदा खड़ा मोले पानी दे विच झाक के वेंदे वे अंदे वे यह कंडीशन होंदी क्या यो कंडीशन रास्ता देखो जो कच्चा रास्ता सर कोई राह ही कोनी बस इथो साइकिल मोड़ सब ऊपर हम साइकिल ने खड़ा इथो बस टोर के थो मैं पानी झा के अंदर खड़ो दाने पिवाने कछ पिवानी है या कोई बीमार थी के मोड़े चाके बारो जा मैं बस इते रेस्क्यू आंदी है या कोई बे कोई इथे तो को कटे नहीं ना ना इथे कोई बंदा ही कोनी सकन पटवारी कोनी पुजे सा ना कोई सरकारी इदारा कुछ कोनी आई तंदरो हमारे साथ और भी मुतासरीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भजन ए इलाके दे विच ए कंडीशन है लोग ढेर सारे बीमार भी तो हुसैन बीमारें को कोई रेस्क्यू नहीं आती के बारो कटे ने कछे का नहीं आती ता कछे ए केड़े हकम आबाद ने ता बिरमानी जी तुसा बिरमानी थी ने जा जा बिरमानी एक मिनट चाचा आला मणे अच्छा कौन कौन भी है इलाके आबाद बिरमानी दो लिसार थी बिरमानी दो तो बिरमानी वे कितना जगह है बिरमानी दा इथा तकरीबन कितना लोग 35 जगह थी वेदन और सारा पानी पानी होता बे केड़े बसया ने था बिरमानी दे बसे दे अलावा ब्याह इथा कोई ने ओडा लती ने ओडो करा कपर जा उते पानी वे ओती है मैं बहुत ज्यादा है ज्यादा है अच्छा भाईजान ये पानी देता पे मैं इथा बहुत ज्यादा पानी है बारिश दे विच क्या कंडीशन होंदी है तुम्हारी किवें गुजरे दे वे बारिश छत्ता डाए गए ना बाहर निकल सकदो बाल भी लेई बैठो बाहर खटड़े भी लेई बैठो पानी खाड़ गए ना बाहर राशन दे वेंदो ना राशन मिलदा पर ये दसो जिंगो तुसा वोट दिते हन ओ लोग भी हन तोरे चेयरमैन काउंसलर के इने दी इमदाद करो इने को पानी को लो कढो कोई का नहीं आई था ना कोई चेयरमैन है ना कोई सरकारी इदारे हैं कोई मदद करने की थी सारी हुकूमत को क्या अक्सो हुकूमत को अक्सो या गाल अक्सो मिली सारी इमदाद की थी वजह अच्छा हाँ सारी इमदाद की थी वजह था कोई राशन दिता वजह था कोई टेंट भी मिले तो बालें दी क्या कंडीशन है बाल भी तो बीमार हो से नहीं था जहरी गाल है इतना पानी बारिश वाल मौसम में आती बीमारियाँ
बीमार भी हैं, बाल भी लही बैठे, घर बैठन दे पानी है लेते हैं बाहर से काट दे। खावन पीवन दे क्या करें दे, कोई डे बंदे लोग या आप ही में बैठे वेला दे आसरे थोड़ा बड़ा डे बंदे तो डे बंदे बैठो ही है। हमसाय अंदर नहीं मान, हमसाय का नहीं दे, हमसाय भी नहीं आते इनका ये कहना है। अच्छा भैया हमसाय भी नहीं आते, इमदाद नहीं देते, बारिश दे बैठे रहते पे, इतना कोई इमदादी टीम मैं नहीं दिठा कि इतना कोई कम करें पाँ कोई इमदादी टीम इतना कोई कहने सकना बिल्कुल इतना कोई कहने ऐसा बस आपने चेयरमैन है काउंसलर जिन्हें को वोट दिता आवे मुंतखब किया आवे नहीं नहीं कोई चेयरमैन कोई कहने ऐसा सकना जे जे आवना चाहिए उन्हें हक पर दे सवाउंड दे खण जे जे लेकिन इतना आया कोई कहने बस तो मैं देखता पाया सामने कैमरे के बेच नाजरीन मैं आपको दिखाता चला हूँ बहुत सा जानवर के लिए उन्होंने रखा हुआ है कैमरे में से आपको नज़र आ रहा होगा तो वो भी इस बात गाल चुका है जानवरों के इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहा। चारा कटन वे वे क्या कंडीशन होती जरा घास है वही काबिल है कटिया वे बीमारी बलाई तो कहनी बेच नहीं बलाई सब बिल्कुल कीड़े मकोड़े सारे ठीक है बेच पे उत्ते चाड़ में कोई कीड़े मकोड़े कप बनो बिच पानी तो रोड़ के घेन कोई जे जे ना गेन पे ढेर सारे बीमार बेचन पे ये हुकुम दे अधिकारी को क्या आसो उत्ते अधिकार को या सबको पीले सारी मदद की थी सबको राशन देता वे भला सबको टेंट देते वे टेंट मिल वे चाचा तुसा बेताब है ए दसे सो सारे नाजरीन को जेड़ी कंडीशन है जरी गाल है बेताबी दी परेशानी तो है बहुत बड़ी तो हुकूमती अपने सारे चेयरमैन को क्या सो कि मदद करें थोड़ी चेयरमैन काउंसलर जैसे रंग थी वे कर मजबूर हूँ यार सब पानी खड़ू दे कुछ नहीं कर सकते उन्होंने क्या ना है ना नहीं मेरा ना माही है। अच्छा माही का क्यों नहीं आता इतना बस नहीं ऐसा उन्होंने जही देंगे ढेरे लोगों ने ना लिखवाए हुए ऐसा रुले पे उसे संभाल करो वोट दे सो बोला इन्हें को वोट तो देवने पंद्रह इलाके है जो भाई ने बोले सो जिंदाबाद। जैसा कि नाजरीन इनके बात सुनी अंकल की इनका ये कहना है कि हम चाहे हम डूब जाएं लेकिन फिर भी वोट सरदार का और उनके जो काउंसलर हैं उनका ही वोट होगा चाहे हम तबाह हो जाएं चाहे घरों में पानी जमा हो जाए चाहे घर डूब जाएँ चाहे जानवर ही मर जाए इनका कहना है कि वोट फिर भी हमने इन लोगों को देना है। यही वो चीज़ है के जिसमें इतना नुकसान होने के बावजूद भी इनकी नाअहली ये है चेयरमैनों काउंसलों की जिनसे इन्होंने वोट लिए थे जिनसे इन्होंने जिन लोगों ने इनको मुंतखब किया था वो लोग भी अब इनको मुश्किल वक्त में छोड़कर भाग गए हैं इनके हेल्प तक नहीं करते। दूसरी बात मैं ये कहता चलूँ इंतजामिया से कि आपने जो इमदाद दी है राशन और टेंट दिए हैं हुकूमती अहदेदारों के जो हुकूमती इस वक्त हुकूमत में हैं चाहे वो एम पी एज हूँ एम एन एज हूँ चाहे काउंसलर उनके हाथ में नहीं देनी चाहिए। ये लोग बंदर बांट कर रहे हैं लोगों को इमदाद से महरूम कर रहे हैं जो कि इनका हक है। ये वो इलाके और बस्तियाँ हैं जो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं ये वो मकान है जहाँ के लोग अपने अहल याल को जब मिलने जाते हैं तो पानी में से झाँक के जाते हैं और ये वो इलाके हैं जो मैंने कहा अपने नाजरीन को भी दिखा दें शायद ये लोग हमारी इंतजामिया जाग सके जो कि अब बेहस हो चुकी है। घरों की भी यही कंडीशन है चाहे फतू वाला और ओड वाला और उसके साथ साथ मुख्तलिफ मवाजियात मुतफरक चौहान हो गया ठट्ठा समंदरी हो गया बहुत से इलाके हैं जो अभी पानी की जद में हैं। लेकिन अफसोस और अलमिया की बात यह है कि अब तक हुकूमती अहदेदारान यहाँ पर नहीं है ना इनको राशन दिया गया ना इनको टेंट दिए गए आते हैं फर्दी कार्रवाई करते जो मेन रोड के साथ बैठे हुए हैं उनको आके एक दो टेंट देते हैं फ़ोटो सेशन करा के चले जाते हैं। खुदारा आप लोगों ने अगर मुतासरीन की मदद करनी है तो मेन रोड के साथ साथ जो बस्तियों में आप पानी दाखिल हो चुका है उन बस्तियों में आएँ उन लोगों की हेल्प करें उन लोगों को राशन दें। और एक और चीज़ काबिल ज़िक्र है यहाँ पर मैंने मेडिकल कैंप नहीं देखा खुदा ना खासा अगर कोई लोग यहाँ पर बीमार हो जाएँ तो ये उनको अपने प्यारों को कंधों पर उठा के दूसरे अस्पतालों में जाते हैं यहाँ पर मेडिकल कैंप भी नहीं है महकमा लाइफ स्टॉक का भी इन्होंने कैंप नहीं लगाया ना राशन दिया है। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि खुराक के साथ साथ खैमे भी दिए जाएँ और यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाया जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट स्टोरी की जानब तब तक खुदा हाफिज़।